हाँ बिल्कुल शिखा, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली के सिंहासन पर राज करना है तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आखिर जनमत क्या दिया है, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में सर्वे के नतीजे क्या कुछ कहते हैं। अब की बार डेढ़ महीने बाद अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम आने तक जो फासला होता है उसमें हर कोई जानना चाहता है कि एग्जिट पोल किसके पक्ष में बैठा। रिपब्लिक भारत ने डबल एग्जिट पोल किया जिसमें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2019 के परिणामों में बढ़त मिल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मैट्राइज के एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 69-74, इंडी को 6-11, अदर्स को 0 सीटें मिल रही हैं। वहीं पी मार्क के सर्वे में एनडीए 69+-6, इंडी 11+-6, अदर 0+-2 को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कि यूपी में सर्वे में किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत दिया गया है। मैट्राइज के एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 53.6%, इंडी को 33.5%, अदर्स को 8.2% वोट प्रतिशत मिलते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें पी मार्क के सर्वे की तो एनडीए को 50%, इंडी को 39%, अदर्स के खाते में 12% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर रिपब्लिक भारत से बात की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने, क्या कहा आप भी सुनिए। अभी तो आपका एग्जिट पोल है ये, जब पूरे परिणाम 4 तारीख को आप दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा प्रचंड बहुमत के साथ, और जो इंडी गठबंधन है ये धरातल पूरी तरह से खो चुका है। राहुल गांधी जी रायबरेली तक सीमित थे, प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली, और अखिलेश यादव जी तो प्रथम चरण में कोई रैली भी नहीं कर पाए, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। जनता ने बुरी तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में मोदी जी की लहर चली है, पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है, उत्तर प्रदेश में भी टूट रहा है, पूरे भारतवर्ष में भी टूट रहा है, और जो मोदी मैजिक है वो सर पर चढ़कर बोला है, और जो विपक्ष के जो षड्यंत्र थे, जो उनका झूठा प्रचार था, उसको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आप देखेंगे 4 तारीख को फिर से हार होगी खटाखट, और ये विपक्ष में लड़ेंगे फटाफट। बीजेपी का दावा था कि 80-80 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी, लेकिन पोल कहते हैं कि इंडी गठबंधन ने इस दावे में सेंधमारी की है और लगभग 6-11 सीटें अपने पाले में करेगी। हालांकि 4 जून को जब एग्जैक्ट आंकड़े आएंगे यूपी में किसे कितनी सीटें मिलेंगी पता चल जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में RRR का फॉर्मूला काम कर गया, जहां राम मंदिर, राशन और रिजर्वेशन पर एनडीए के खाते में बढ़ चढ़कर वोट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए किस तरीके से जो